हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गन के बारे में, जो कि एक कैथोड रे ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट है, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक ए पार्ट ऑफ कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो पहले हम लोग कैथोड रे ट्यूब को देख लेते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं, ताकि हम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए, है ना। तो कैथोड रे ट्यूब की ओर चलते हैं। ये कैथोड रे ट्यूब है जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं, और उसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, और दूसरा है डिफ्लेक्शन सिस्टम, तीसरा है फ्लोरोसेंस स्क्रीन। इन दोनों को हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन गन को देखते हैं, है ना। तो ये है कैथोड रे ट्यूब, ये पूरा का पूरा डायग्राम। इसमें से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, यानी कि जो हीटर है, फिलामेंट है, Ke, Zn, A1, A2, इन सारे को मिला के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, और बाकी सब कुछ डिफ्लेक्शन सिस्टम और फ्लोरोसेंस स्क्रीन के अंदर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर F क्या है, फिलामेंट है, K क्या है, कैथोड है, Z क्या है, कंट्रोल ग्रिड है, A1 और A2 एनोड्स हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन में देखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इज टू प्रोवाइड फाइन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कैथोड रेज। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का बीम, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का बीम क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उनका एक बीम प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन को यूज किया जाता है, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम लोग कैथोड रेज भी कहते हैं। तो ये फंक्शन हो गए। अब इसमें क्या कंसिस्टेंट है, मैंने बोला था फंक्शन फिलामेंट एफ है, जो कि अगले जमाने में क्या होता था, बल्ब्स में यूज होता था, है ना। और कैथोड के, कंट्रोल ग्रिड जी, टू एनोड्स A1 और A2, है ना। तो इन चारों का काम क्या है, वो हम लोग यहाँ पर वर्किंग में देखने वाले हैं। वर्किंग में पहला पॉइंट है, जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं फिलामेंट पर, वो फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है। और गर्म हो जाने पर क्या हो जाएंगे, जो पास में ही कैथोड था, वो कैथोड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों एमिट करेंगे, क्योंकि गर्म हो गए, है ना, जिसे हम लोग थर्मियोनिक एमिशन भी कहते हैं, जो हम लोग अगले वीडियोस में पढ़े थे, है ना। अब कैथोड जो है वो एक सिलिंड्रिकल मेटेलिक ग्रिड से क्या है, कवर किया हुआ है, सराउंडेड है, जो कि क्या करेंगे, एक हाई निगेटिव पोटेंशियल में रहेंगे हमेशा, वो जो कंट्रोल ग्रिड्स हैं, है ना, एक मेटलिक ग्रिड है, सिलिंड्रिकल मेटलिक ग्रिड, वो हमेशा निगेटिव पोटेंशियल में रहेंगे। और अगर हम लोग उस निगेटिव पोटेंशियल को हाई कर देते हैं, तब क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और जब हम लोग वो जो कंट्रोल ग्रिड्स है, मेटलिक सिलिंड्रिकल, उससे हम लोग निगेटिव पोटेंशियल को अगर कम कर दें, तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि बाई चेंजिंग द पोटेंशियल वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो छोटा पॉइंट है वो है कि जो दो एनोड्स हम लोग यूज़ किए थे, A1 और A2, वो क्यों यूज़ किए थे, ताकि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे उसको हम लोग फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर फोकस कर सके और एक्सेलरेट कर सके, है ना। और दिस टू एनोड्स जो है, उन्हें हम लोग हाई पोटेंशियल पर रखते हैं, क्या रखते हैं, हाई पोटेंशियल पर। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ के, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।